तो दोस्तों देख सकते हैं कितना प्रेशर दे रहा है। तो इसी तरह से आप मोटर फिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जितेंद्र गुप्ता प्लम्बर को। तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं मोटर फिटिंग के बारे में, घर के लिए सबसे बेजरूर कौन मोटर रहेगा इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो आज चलिए हैंडपम्प से टुल्लू पम्प फिट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये CRI कंपनी का आपका पंप है, आप देख सकते हैं CRI कंपनी का है और ये मिकी है, सेल्फ प्राइमरी मोनोब्लॉक पंप है। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का पंप है और ये पावरफुल पंप है और ये आपका पंप है, आप देख सकते हैं इसका RPM जो है वो 2800 है, यानी पानी खींचने का क्षमता इसका ज़्यादा है। और ये 0.75 के वाट है और 1 HP का ये मोटर है आपका, बहुत अच्छा मोटर है। तो चलिए इसको फिट करने वाले हैं। तो चलिए इसको फिट करते हैं। यहाँ पे हमारा हैंड पंप है, देखिए आपको चालू करके दिखा रहे हैं। ये आपका मेन बोरिंग इसका बाहर है, बाहर से इसका टेंशन करके यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पे देखिए मोटर चापाकल जो है अच्छा से चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और यहाँ पे मोटर फिट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्लॉक लगा हुआ है इसमें देख सकते हैं कि 1.5 एकड़ रेगुलेटर टी लगा हुआ है और इसी पे हैंड पंप कसा हुआ है। तो यहाँ पे पहले प्लॉक को खोलेंगे। यहाँ पे आपको प्लॉक खोलना है। प्लॉक खोलने के बाद यहाँ पे GI का नेपल हम फिट करेंगे, इसमें ही चेक वाल्व हम लगाएंगे। जो चेक वाल्व आप देख सकते हैं कि ये 4 नंबर चेक वाल्व है और ये बहुत ज़्यादा पानी आपको देगा। ये जो चेक वाल्व लगाइएगा देखिए 4 नंबर वाला है, 3 नंबर ज़्यादा करके चलता है, मगर हम यहाँ पे 4 नंबर लगा रहे हैं ताकि पानी का प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा इससे। और देखिए ये आपका चेक वाल्व हो गया। इसका जो होल होता है ये आपका अंदर का 1 इंची होल होता है इसमें। तो 1 इंची इस होल होने के कारण क्या होता है कि पानी का जो आने का होता है क्षमता वो ज़्यादा आएगा, और 3 नंबर का वो 0.5 इंची का होता है, इसलिए पानी का प्रेशर उसमें कम आता है। तो यहाँ पे इसलिए हम 4 नंबर चेक वाल्व लगा रहे हैं। और जो एरो का निशान देख रहे हैं वो मोटर की तरफ होना चाहिए, जिधर आप मोटर फिट कर रहे हैं उस तरफ एरो का निशान होना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके तक पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से आपको टाइट भी करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक MTA का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम MTA लगाएंगे, यहाँ पे CPVC पाइप फिटिंग किया जा रहा है इसमें। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे एक यूनियन लगाएंगे। यूनियन लगाने से आपको फायदा होगा कि जब चाहे आप मोटर खोल को हटा सकते हैं, फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से यूनियन आपका टाइट हो गया। अब चलिए यहाँ पे पानी पटाने के लिए इसमें नागराज हम कसेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 पौना का ये बेंड है, हमारे यहाँ इसको नागराज बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको फिटिंग करेंगे। चलिए मोटर तो हमारा बिल्कुल फिट हो गया। अब चलिए इसमें तार जोड़ते हैं और आपको मोटर चालू करके दिखाते हैं। तो मोटर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि हैंड पंप को स्टार्ट करना है, जैसे कि वहां से हम प्लग खोले हुए थे तो पानी इसका भाग गया है। दोस्तों हमारा हैंड पंप चालू हो गया। अब चलिए यहाँ पे पानी इसमें डालना है पहले आपको। मोटर में हमने पानी डाल दिए और यहाँ पे देखिए तार का ज्वाइन हम कर लिए हैं। Thank you.
तो दोस्तों देख सकते हैं मोटर हमारा चालू हो चुका है और प्रेशर भी आप देख सकते हैं, और ये आपका 3 मंजिल पानी चढ़ाएगा। चलिए इसको दाब कर भी देखते हैं। देख सकते हैं कितना प्रेशर दे रहा है मोटर। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों इसी तरह आप टुल्लू पंप मोटर फिट कर सकते हैं और यहाँ से रोज़ खोल कर आप हटा भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने पाइप गार्डन पाइप जोड़ दिए हुए हैं, चलिए पाइप में देखते हैं कि कितना प्रेशर दे रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना प्रेशर दे रहा है। तो इसी तरह से आप मोटर फिट कर सकते हैं।